हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोसो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी यूएसबी ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएंगे। तो बूटेबल बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि अगर हम लोग किसी भी पेनड्राइव को बूटेबल बनाते तो कब किस सिचुएशन में काम आएगा। तो जैसे कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी टेक्निकल इशूज या कोई भी सॉफ्टवेयर इशूज फेस कर रहे हैं तो आप चाहें तो उस पर न्यूली ओएस डाल सकते हैं या उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक यूएसबी ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएंगे। तो आज मैं जो बूट करने वाला हूँ, मैं उबंटू में बूट करूंगा अपने पेनड्राइव को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पेनड्राइव को अपने पीसी में लगाता हूँ। ये देखिए, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा एक्सटर्नल ड्राइव, यूएसबी ड्राइव। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट ना भी करूँ तो ये बाद में फॉर्मेट हो जाएगा। मैं लेवल चेंज कर लेता हूँ, बूट लिख देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें गूगल पे जाना, और गूगल पे जाके हमें टाइप करना रूफस। और ये देखिए, पहले लिंक आएगा rufus.ie, तो इस पे क्लिक कर देना। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या सिंपली rufus 3.5 पोर्टेबल पे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर ले इसे। तो मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे की प्रोसेस। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे पास rufus 3.15 है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की पूछेगा, तो इस पे यस क्लिक कर देना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा जो पेनड्राइव लगे रहेगा, जो भी यूएसबी ड्राइव लगे रहेगा। तो यहाँ देखिए, जो मेरा पेनड्राइव 64 GB का है, तो यहाँ पे ये खुद से डिटेक्ट कर लिया। अब इसके बाद से मुझे एक ISO इमेज डालना होगा। तो आपको जैसे जिस भी OS में बूट करना है उसका ISO आपको डाउनलोड करना होगा नेट से। तो मैं अभी Ubuntu का करने वाला, तो Ubuntu का ISO है मेरे पास। तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास काली का है, Ubuntu का है, Ubuntu का डेस्कटॉप है, Ubuntu सर्वर है। तो मैं Ubuntu सर्वर में करना चाहता हूँ, तो Ubuntu सर्वर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। या अगर आपको विंडोज का करना है तो आप विंडोज ISO डाउनलोड कर लें, फिर विंडोज ISO सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जैसे पहले बताया था Ubuntu का करने वाला हूँ, तो Ubuntu सर्वर में आपको करके दिखाता हूँ। तो Ubuntu सर्वर को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आ गया Ubuntu 20.04.2 लाइव सर्वर AMD64.ISO। अब उसके बाद से यहाँ पे आएगा पार्टीशन स्कीम। यहाँ पे दो रहते हैं, एक MBR होते हैं और एक GPT होता है। तो जैसे अगर आप इस पे ओवर कर रहे हैं, तो ये देखिए बता रहे मेथड्स दैट विल बी यूज्ड टू क्रिएट पार्टीशन। तो ये MBR मेथड होगा पार्टीशन क्रिएट करने का, या GPT मेथड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा GPT। और यहाँ जैसे GPT सिलेक्ट करते हैं, ये टारगेट सिस्टम ये खुद ब खुद UEFI ले लेता है। अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो ये वॉल्यूम लेवल होगा, मतलब आपका जो पेनड्राइव का नाम होगा वो इसमें चेंज हो जाए ऑटोमेटिक। यहाँ पे चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा बूट लिखा हुआ है अभी। तो जैसे मैं ये स्टार्ट करूँगा, वैसे ही ये Ubuntu सर्वर 20.04 LTS AMD64 लिख देगा। तो ये देखिए, लार्जर FAT32 है, ये सबसे कुछ करना नहीं, ये सबको ऐसे ही रहने दिए। और सिंपली हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमसे पूछेगा कि राइट इन ISO इमेज मोड और राइट इन DD मोड। तो ये DD जो होता है, ये डिस्क ड्राइव होता है, और ये ISO नॉर्मल जो ISO, तो मैं ISO के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। अब ये देखिए, ये पूछ रहा है कि डिवाइस का जितने भी डेटा है ये सारा फॉर्मेट करेगा। तो अगर आप चाहें तो उसे मैं स्टार्टिंग में फॉर्मेट ना करके अभी भी ओके पे क्लिक कर दें, खुद ब खुद पेनड्राइव में जितने भी कुछ आपके डेटाज होंगे सारे को फॉर्मेट कर देगा। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, सारे पार्टीशन डिलीट करेगा, उसके बाद से दोबारा से सारे फाइल्स जो Ubuntu 20.04 के हैं ये कॉपी करेगा और इसको बूटेबल बनाएगा। ये फॉर्मेट हो चुका है।
अभी देखो कॉपी कर रहा है। और जैसे कि नीचे देख सकते हैं ये कितना सेकंड्स हुए ये प्रोसेस को स्टार्ट हुए, ये सारे यहाँ पे लिख रहा है। और जैसे कि मैं Ubuntu 20.04 का कर रहा हूँ तो ये नियरली आपका 1 GB के अंदर है, जिसकी वजह से ये जल्दी कॉपी हो रहा है। अगर ये मैं विंडोज सर्वर के साथ करता या विंडोज का करता तो उसमें नियरली 4 to 5 GB का है वो ISO फाइल, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट टाइम लगता है उसमें। तो ये देखिए जैसे ही ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, वैसे ही आप देख सकते हो डिवाइस का नेम चेंज हो चुका है। और चलिए मैं मतलब पेनड्राइव खोल के दिखा दूंगा आपको कि उसका कैसे फाइल राइट हुआ है। तो ये देखिए Ubuntu सर्वर लिख के आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देख लें ये बूटेबल बन चुका है। अब आप लोग को क्या करना है कुछ नहीं है, बस सिंपली स्टार्टअप के समय अपने पेन ड्राइव इंसर्ट करें और जैसे जिस कंपनी का आपका लैपटॉप हो उसके हिसाब से नंबर प्रेस करें। जैसे डेल का है तो F12, फिर HP का तो F8, ऐसे जो है ये सारे फंक्शन की आप प्रेस करें और फिर आपका बूटेबल में स्टार्ट हो जाएगा, बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप सब सही से रहे। थैंक यू।